नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। और जेट एयरवेज को लेकर नई जानकारी देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जेट एयरवेज को लेकर जो अभी नई खबर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर जेट एयरवेज के नए ओनर्स यानी जालान और कार्लॉक कंसोर्टियम ने यहाँ पर NCLT से डायरेक्शन मांगी है और ये पूछा है कि अब हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लैंडर्स हैं जेट एयरवेज के, उन्होंने जेट एयरवेज की अंडरटेकिंग देने से मना कर दिया है नए ओनर्स को। इसको लेकर के नए ओनर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इन कारणों की वजह से जो जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन प्लान है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है और एयरलाइन ऑपरेट होने में डिले हो रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जेट एयरवेज के जो लैंडर्स हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो भी रिजोल्यूशन प्लान बनाया गया है, जो भी SRA बनाया गया है, उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए अंडरटेकिंग को लेकर, ताकि जो हमारे ड्यूज़ हैं वो आसानी से क्लियर हो सके और हमारे साथ कोई भी मतलब बेसिकली अन्याय नहीं हो, ऐसा करके ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। मतलब वो मॉडिफिकेशन कुछ चाह रहे हैं रिजोल्यूशन प्लान में नए ओनर्स की तरफ से, और नए ओनर्स यहाँ पर सीधे सीधे जो है अंडरटेकिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने NCLT में गुहार भी वापस से लगाई है। तो ये है जेट एयरवेज को लेकर अभी तक की बड़ी अपडेट। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूँ आपका दोस्त।